हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में दोस्तों। तो दिन है मंगलवार और तारीख है 20 तारीख थे। तो चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत करती हूँ। तो सुबह हमारी बहुत पहले हो चुकी है और मैं आप सभी से मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, यानी कि 12-1 बज रहे। तो यहाँ पर मैं अभी जो है खाना पीना मेरा सुबह का जो भी था वो हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम बचा है, अभी वही करना है। तो इससे पहले मैंने सोचा चलिए तैयार हो जाती हूँ, छोटी बोटी कर लेती हूँ। अगर काम में लग जाऊँगी ना फिर तो जो टाइम नहीं मिलेगा छोटी करने का, इसीलिए मैंने सबसे पहले कर ली छोटी और फिर करती हूँ बाद में घर के काम। तो काम तो बहुत हैं अभी करने के लिए, तो सबसे पहले तैयार हो गई हूँ और अब चलती हूँ काम करने। तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ पौधों को पानी देने, क्योंकि अभी बहुत धूप पड़ने लगी है। अब इनमें पौधों में रोज़ाना पानी देना पड़ता है, अगर 1-2 दिन छूट जाए ना तो फिर जब पौधे मुरझा जाते हैं, इसी वजह से रोज़ाना पानी देना पड़ता है सुबह शाम। अभी तो खैर एक टाइम दे दो तब भी जो है 1-2 दिन, 1 दिन तो चल जाते हैं आराम से। और गर्मी थोड़ी पड़ने लगी फिर तो सुबह शाम पानी देना पड़ेगा। पौधे लगाए हैं तो उनकी देखभाल भी करनी बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम देखभाल करनी पड़ती है। छोटे मोटे हमारे जो पौधे हैं उन्हें भी हम जो है लगे रहते हैं अपने दिन में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उनको पानी दे देती हूँ और फिर घर में चल के फिर काम करती हूँ। तो इनको सींचना भी बहुत ज़रूरी है। और ये टमाटर के पौधे हैं, इन पौधों में अब की बार है ना कम से कम आधा किलो हमारे जो है टमाटर आ चुके इस पौधे पे ही, मतलब लगे हुए पक जाते थे तो पके हुए टमाटर बहुत ही बढ़िया लगे थे इस बार। तो काफ़ी मदद की है इन पौधों ने मेरी। तो कभी कभी बीच में जब जो है महंगे हो जाते थे तब हम इनको जो है यूज़ कर लेते थे, मतलब तोड़ लेते थे, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैं पानी देके आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने सोचा चले काम वाम कर लेती हूँ। तो अब आई हूँ मैं जो है कमरे में। तो यहाँ पर आने के बाद मैं सोच रही चले काम कर लूँ, झाड़ू वाड़ू निकालना है इस कमरे का। खाना तो बन चुका है लेकिन थोड़ा बहुत काम है बस वही कर। इवनिंग रूटीन ब्लॉग शेयर करूंगी दोस्तों, 12 बजे से लेके शाम तक का है। तो आज इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी चटपटी रेसिपी दूंगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो वो भी भिंडी की सब्जी है, बहुत ही अलग तरीके से मैं आप सभी के साथ बना के शेयर करूँगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो उससे पहले मैं कुछ काम है वो कर लेती हूँ और फिर करती हूँ खाने पीने की तैयारी थोड़ी देर में, अभी तो नहीं। तो यहाँ पर मैं जो भी काम है उनको मैं कर लेती हूँ और बाबू को अभी पहले स्कूल भेज दूँ और उसके बाद में फिर बाकी काम है वो करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है ये कढ़ाई को देख रही हूँ, ये कढ़ाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है फूट गई है। शाम को मैंने इसमें सब्जी बनाई तब जो इसमें तेल निकल रहा था, तो इसको मैं जो अभी चेक कर रही हूँ। मैंने कहा आप धो के इसको देखेंगे कि ये फूटी है कि ऐसे ही कहीं से जो है तेल बह रहा था। तो अभी मैं देख रही हूँ तो ये जो फूट गई थी कढ़ाई, वैसे तो नहीं मालूम पड़ी लेकिन जो है पानी या तेल डालो तो निकलता है, वैसे तो नहीं दिख रही थी। तो मैंने अभी इसको कर दिया रिटायर। तो अब हम जो है नई कढ़ाई लाएंगे मिट्टी की। तो अभी जब तक नहीं है तब तक हम दूसरी कढ़ाई यूज़ करेंगे चूल्हे पर, वो जो है चूल्हे के लिए बहुत अच्छी थी इसलिए क्योंकि ये काली हो जाती तो मालूम नहीं पड़ती थी, इसीलिए मैं उसको चूल्हे पर ज़्यादा चढ़ाती थी। तो अब तो जो है वो रिटायर हो गई है। तो चलिए पहले मैं घर के जो इवनिंग के काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ। और आज है ना हस्बैंड की थोड़ी बहुत तबीयत डाउन है तो यहीं पर हैं, अभी लेटे हुए काम पर गए थे लेकिन जब वापस आ गए हैं तो मैं अपने घर के अभी काम में लगी हूँ, उनको भी देख रही हूँ। जो भी अभी दवाई ववाई लेकर के आए थे उनको दवाई दी और चाय वाय दी बना के, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी आज ऐसी है। तो चलिए मैं अब शाम के काम है वो कर लेती हूँ यहाँ पर मैं। तो बच्चों को खाने का मन था सैंडविच का, तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ अपने घर के स्टाइल में बना देती हूँ। वैसे तो हर तरीके से अलग अलग तरीके से बनता है ये, तो कई तरीक़ों से बनता है। मैं अपना तरीका जो है घर में ही अपना जो है जैसे बच्चों को अच्छा लगता है ना मैं उसी हिसाब से बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पर जो है थोड़ी सी ब्रेड रखी थी कई दिन के लाए हुए रखी, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी इसकी जो है एक्सपायर डेट निकल जा रही है इसलिए बना दो। तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ। और यहाँ पर है ना मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल के और अच्छे से मैं इनको जो सेक लेती हूँ,
तो घी की सिकी हुई बहुत ही अलग लगती है, मतलब बिना सैंडविच बनाए ऐसे ही खा सकते हैं। तो बच्चे तो मेरे कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं बिना सैंडविच बनाए हुए। तो थोड़ी सी थी ब्रेड, मैंने सारी की सारी जो है ब्रेड मैंने अच्छे से सेक ली है घी में, और घी की सिकी हुई सबसे अलग ही लगती है, इसमें बिना कुछ डाले हुए ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सेक ली और थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ सॉस, तो थोड़ा सा सॉस भी लगाते जाएंगे, और थोड़ा बहुत जो है टमाटर और पत्ता गोभी ये भी लगा देंगे, तो हमारा जो है सैंडविच तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है इसमें सॉस लगा दिया, पत्ता गोभी टमाटर ये रख देंगे, उसके बाद में जो आलू का मिश्रण है ये हम इस पे रखते जाएंगे, और उसके बाद में फिर से हम जो दूसरी ब्रेड लगाएंगे उस पर भी हम टमाटर सॉस लगा के, और हमारे जो देखिए बिल्कुल सैंडविच तैयार हो गया। इस तरीके से बनाया, सच में बहुत ही पसंद आया था बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही अच्छा लगा था, वो भी घर पर ही थे तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने दे दिया कुछ अलग से बना के, उनको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा था। तो उन्होंने बोला था कि अच्छे लग रहे हैं, ये जो है मार्केट से बहुत ही अलग लग रहे हैं सच में, तो अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैं जो है उन्हीं के लिए सबसे पहले मैं रख देती हूँ थोड़ी सी दाल बनने के लिए, जो कि मूंग की दाल, जब भी तबीयत खराब होती है ना, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत होता ना, तो मैं सोचती हूँ कि दाल बना लो तो बहुत ही अलग रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं दाल बना लेती हूँ, वो भी मूंग की दाल। मूंग की दाल तबीयत खराब हो ना तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए मैं मूंग की दाल रख दी यहाँ पर बनने के लिए, उनके लिए थोड़ी सी, बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी अगर खाऊंगी तो खा लेंगे थोड़ा बहुत। वैसे बच्चे तो बहुत ही मतलब इनकार करते हैं मूंग की दाल खाने के लिए, तो मैं उनके लिए अलग बना रही हूँ और बच्चों के लिए अलग बना रही हूँ। तो ये रेसिपी की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले टमाटर पीस ली, और इसके बाद में मैं यहाँ पर भिंडी को अच्छे से जो है धो के पोंछ के, और उसके बाद में इस तरीके से मैं काट लेंगे सारी भिंडियों को, और उसके बाद में फिर सब्जी बनाते हैं। तो ये सब्जी को बहुत ही अच्छी बनती है, चटपटी टेस्टी सब्जी बनती है ये वाली। तो यहाँ पर तेल मेरा हो गया था, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा भिंडी को इस तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे, थोड़ा बहुत पानी था उसमें, तो यहाँ पर मैं सारी भिंडी डाल दी, और इस तरीके से मैं हल्के हल्के इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही नरम भिंडी थी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल 10 से 15 मिनट लगते हैं बनने में, और जो है भिंडी बनके हमारी तैयार हो जाती है ये वाली रेसिपी। और यहाँ पर रख दी मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल दिया तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, और ये अच्छे से तड़क जाए, उसके बाद हम प्याज डाल देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज डालने के बाद थोड़ी सी मैं जो है लहसुन अदरक ये डाल देंगे, कटी हुई है ये मैं काट के डाल रही हूँ, ये देखिए लहसुन भी डाल दिया, और थोड़ी सी कटी हुई अदरक डाल देंगे, और इसके बाद में हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें, ये देखिए अदरक डाल दी मैंने इसमें, यह है हरी मिर्ची। तो चटपटे के हिसाब से जैसे खाना चाहे वैसे बना सकते, मेरे घर में है ना थोड़ी सी चटपटी ये बनाई थी, बहुत ही बढ़िया बनी थी, और मसाला सीख गया था। इसके बाद मैंने जो टमाटर की प्यूरी थी वो डाल दी इसमें, अब अच्छे से इसको थोड़ी देर पका लेंगे, फिर इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। तो इस तरीके से भिंडी मसाला भिंडी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी सच में। तो थोड़ी सी तीखी हो गई थी लेकिन बहुत ही बढ़िया बनी थी, जो हम रोज़ खाते हैं डेली में उनसे बहुत अलग थी ये वाली सब्ज़ी। यहाँ पर मसाले डाले, धनिया मिर्ची हल्दी और ये सब डाल के, और जो टमाटर का पानी बचा था वो भी डाल दिया, और यहाँ पर थोड़ी सी मिर्ची डाल के, उसके बाद हम गरम मसाला हम बाद में डालेंगे जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद में। तो इस तरीके से मसाले को अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम गरम मसाला डाल के, और फिर हम इसमें अच्छे से पकाएंगे, जब तक इसमें तेल नहीं ऊपर आ जाता तब तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, और अब हम अच्छे से इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया है, और बस यहाँ पर 2 मिनट के लिए ढक देना, उसके बाद में मेरा जो है तेल ऊपर आ जाएगा, जो कि मसाले में था वो अच्छे से पक गया, और उसके बाद में नमक डाल दिया है। अब हम इसमें जो भिंडी थी वो इसमें डाल देंगे, देखिए सारी भिंडी इसमें मैंने डाल दी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, जब तक भिंडी बिल्कुल नरम ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक इसको पका लेने हैं। तो यहाँ पर 1-2 से 3 मिनट और लगेंगे बस इसमें, तो हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने ढक दी, तो इस तरीके से पका लेंगे, उसके बाद में बिल्कुल हमारी मसाला भिंडी तैयार है। देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई थी सच में।
तो बताना मुझे कमेंट करके कि ये मसाला भिंडी आप सभी को कैसी लगी रेसिपी। चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग।